वेलकम बैक दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सैम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे YamahRX 100 की जो पेट्रोल टैंक है उसको टोटली रिपेंट की प्रोसेस किस तरीके से होती है यह देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पे कलर करने के पहले एंड कलर करने के बाद वाली जो कंडीशन होती है दोस्तों, ये दो क्लिप्स मैंने दिखाए हैं, बिफोर एंड आफ्टर वाली। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने बताया है कि इस टंकी को टोटली पेंट करने के लिए कितने रुपए लगे हैं और इसको पेंट करने के लिए कितने दिन लगे हैं, ये सारी प्रोसेस हमने इस वीडियो में देखा है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए। दोस्तों देखिए, टंकी को कलर करने के पहले की कंडीशन आप किस तरीके से है देख सकते हो। जगह जगह पर डेंट्स थे और कलर भी उड़ चुका था, और जो स्टिकर था वो भी ख़राब हो चुका है, और अंदर से बहुत सारी रस्टी थी। ये सारे प्रॉब्लम्स हमने रिमूव कर दिए। पहले स्टेप में तो हमें जो ऊपर का कलर है दोस्तों एंड जो डेंट्स है उसको रिमूव करना है, और जो स्टिकर था पुराने वाला वो भी उसे भी हमें रिमूव करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से हमने स्टिकर रिमूव करने की प्रोसेस चल रही है। देखिए दोस्तों, ये जो कलर है ये दो कोट में है, यानी कि पहले तो अंडर कोट और उसके बाद मेन कलर और उसके बाद फाइनल कोट यानी कि क्लियर कोट। यहाँ पे आप देख सकते हो डेंटिंग की प्रोसेस ख़त्म होने के बाद हमने प्राइमर अप्लाई कर दिया है, और उसके बाद इसके ऊपर हमने जो मेन कलर की स्टेप थी वो अप्लाई कर रहे हैं। पहले तो टंकी के जो अंदर के साइड थी उसके ऊपर हमने कलर अप्लाई कर दिया। देखिए दोस्तों, जो रेड कलर होता है वो डायरेक्टली आप अप्लाई करोगे किसी भी सरफेस के ऊपर तो वो अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होगा दोस्तों। उसके लिए पहले आपको अंडर कोट अप्लाई करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले हमने जिस कलर से टंकी दिखाई देती थी यानी कि रेड कलर की दिखाई देती थी उसी कलर का अंडर कोट अप्लाई कर दिया है। पहले स्टेप में तो हल्का सा हाथ अप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद दूसरे स्टेप में जो मेन कलर है दोस्तों उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो टंकी है इसको टोटली रिस्टोर करने के लिए 2 से 3 दिन लगेंगे, और जो इसकी कॉस्ट जाएगी दोस्तों 1000 से लेके 1500 तक जाएगी। अगर टंकी के ऊपर डेंट्स रहेगा दोस्तों, अगर निचले साइड से रस्टी रहेगी तो उसको रिमूव करने के लिए अलग से 500 बढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए, अंडरकोट खत्म हो जाने के बाद जो मेन कलर है वो अप्लाई करने की स्टेप आ रही है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो, जो बहुत सारे फ्रेंड मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका वर्कशॉप कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो वर्कशॉप है महाराष्ट्र में है, उसमें सोलापुर और उसमें पंडरपुर में हमारा शॉप है दोस्तों। इसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, एक बार डिस्क्रिप्शन आप जाकर जरूर चेक कीजिएगा। ये यहाँ पे पेंटिंग की तरफ आते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने स्टिकर लगाया है, उसके बाद जो मेन कलर था उसके ऊपर फाइनल स्टेप यानी कि क्लियर कोट अप्लाई करने की प्रोसेस आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लियर कोट अप्लाई कर देने के बाद टंकी एकदम नई जैसी दिखेगी। अगर किसी भी गाड़ी का आपको स्टिकर चाहिए तो आप मुझे दोस्तों इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, दी सैम पवार ये इंस्टाग्राम का नाम है दोस्तों मेरा, और उसके बाद मैं आपको उस स्टिकर का कुरियर कर दूंगा। ओके दोस्तों, तो देखते हैं आगे की पेंटिंग की प्रोसेस किस तरीके से होती है। सो थैंक यू दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।